मजेदार द मजेदार शो। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 3। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपका मुलाकात करवाता हूं हमारे हाउस बैंड द करार बॉयज। वेल डन, और बहुत सारी तालियां हमारी बैठी हुई ऑडियंस के लिए, जबरदस्त तालियां जी। ठीक है जी, और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर और यहां बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदिल अमजद। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, वाह खूबसूरत। कर ले पूरा कर ले, कोई वापस से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं जब भी किसी भी शो में आता हूँ मैं बहुत जोर से सलाम करता हूँ। वो इसलिए कि जिस तरह हम हर डांस गाने चीज़ों को ट्रेंडिंग कर देते हैं तो हम अपने सलाम को भी ट्रेंडिंग कर दें ताकि हर किसी को आदत पड़े सलाम करें। वेरी गुड आदि भाई। ये आदि भाई मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में चल रहा है कि बहुत पुराने पुराने रस्तों पे लोग चल रहे थे। अच्छा। और मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया कि लोगों को अपने पुराने रस्तों को बदल के नए रस्ते चुनने चाहिए। अच्छा। ताकि जिंदगी में तब्दीली आए और लोगों के अंदर तब्दीली आए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो एक काम पे फंसे हुए थे, वो काम अच्छे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने उस काम को स्विच करके दूसरा काम शुरू किया। कुछ लोगों ने एक घर में रहते हुए बहुत सारे साल गुजारे, अब उनको उस घर बदलने की जरूरत आ गई है। हाँ। तो वो अपना घर बदल रहे हैं। हाँ। तो लोग अपने अपने लिए नए रास्ते चुन रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। मेरे ख्याल से नई चीजें होनी चाहिए लाइफ में ताकि आप बार बार नई मोटिवेशन को लेकर आगे चलें। बिल्कुल ऐसी है, थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाती है जिंदगी तो फिर बोरिंग लगती है। मोनोटोनस होने से ये होता है कि जंग लग जाता है, फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लोग अपनी चीजें बदल रहे हैं, अपने मौसम बदल रहे हैं और मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया। वेरी गुड। ठीक है जी, फौरन मैं कहता हूँ विदाउट फर्दर अडू हमारे गेस्ट के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बिल्कुल मेरी और आदि भाई की उतनी उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है। हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम उनको आज अकोमोडेट कर सके। हमने गुल्लक तोड़ के उनको बुलाया है बेशक, क्योंकि माशाल्लाह जितना उन्होंने काम किया है और जितना उन्होंने सर्व किया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं क्रू में, मेरे ख्याल से हम सब भी मिल जाएं तो उतना काम नहीं कर सकते। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे बराबर वाले मुल्क में बल्कि इंटरनेशनली उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया, और वो जहाँ जाते हैं मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं। इंतहाई स्पॉन्टेनियस और बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर हैं जी। इनसे जब भी बात करते हैं, जब भी मुलाकात होती है, बहुत अच्छा लगता है। इनका बड़कपन है कि हमारे बुलाने पे फौरन आ गए हैं। तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि यार तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बस टेस्ट के पैसे दे दो मैं आ। उन्होंने कहा आदि का शो है, आदि का शो है, मैं जरूर आऊंगा, और वो आ गए। सो बहुत सारी तालियां, मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाए, बिकॉज वो हमारे लेजेंड है। बहुत सारी तालियां फॉर द वन एंड ओनली रऊफ लाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? कैसे भाई, एक बार फिर से बहुत सारी तालियां रऊफ लाला के लिए। भाई क्या बात तो है? एक बीट और बसी रऊफ लाला शर्ट उतार लेते। आइए सर, आप बड़ी मेहरबानी, आप लोग के शो में पहली मर्तबा आया हूँ, इतनी इज्जत दी। अरे सर, इतना नचवाया तुम लोग, इतना कसम ले लो घर में नहीं लोग नचवाते मेरे जितना आप लोगों ने नचवाया। देख आदि कितना स्मार्ट हो गया माशाल्लाह। नहीं आप भी, ये सिर्फ 5 मिनट के नाचे नहीं है। अगर ये 1 महीना कर ले कसम खुदा की यहाँ से यूं उठाना पड़ेगा। आइए सर, आइए सर, आइए आइए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों के शो में आया हूँ, और बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। एनर्जी आ गई आपको देख के आदि। फैजान, अल्लाह आपको तरक्की दे, दोनों शहजादे आप हमारे। आमीन। और आजकल तो माशाल्लाह हिट जा रहे हो आप दोनों। दुआएं हैं आपकी बस। वो तो अल्लाह का शुक्र, उसको देखो जिस चीज में आप डाल रहे हो ना, अल्लाह उसका भाग लगा रहे, उसको सोना बन जाता है बेशक। माशाल्लाह
इसी तरह तरक्की करो। आमीन आमीन आमीन। कैसे हैं आप? मेरी तबीयत तो थोड़ी सही नहीं थी। एग्जैक्टली ये देखे हाथ का वैक्स कराया हुआ। हाँ वो मेरा की नीचे से बाल इस टाइप का कराओ बड़ा मजा आता है। मैंने रात को सुना है आप अपना हाथ चूम चूम के सो रहे हैं आजकल। मुझे मगर उसके लिए मुझे पहले लिपस्टिक लगानी पड़ती है। चूमने का फिर मजा आता है। नहीं लेकिन अब आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आप एक बहुत ही जबरदस्त काम करके आ रहे हैं शो में, बहुत अच्छा लगे आप। काफी लोगों ने वो साइड देखी नहीं थी आपकी जो हमें देखने को मिली और बहुत अच्छा लगा। वो साइड में साइड से निकालने के चक्कर में था तो बस वो शो जो था तमाशा जी उसको दो दिन पहले मैंने मना कर दिया था। अच्छा। मैं इतना एक घर के अंदर जहां भी हो अल्लाह अकबर बंदे को हर वक्त डर लगा रहे वो जिन्नात तो नहीं आ रहा जिन्नात तो नहीं आ रहा। माशाल्लाह मैं ये सोच के गया था फैजान कि इस शो में आदि होगा मैं इसके साथ मस्तियां करूंगा जुगते करूंगा, लेकिन जब मैं इससे मिला मैंने कहा यार ये तो जद्दा में होना चाहिए मुसल्ले में। इतना प्यारा इतना अंदर से कुछ और ही। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अलग। और तुम्हारी तो इतनी तारीफ की तुम लोगों ने कहीं छुप के निकाह तो नहीं किया? मुझे आपको पता है लाला और बहुत सारे लोग कहते थे यार तुम लोग वाकई इतने अच्छे दोस्त हो क्या उसके बारे में बात करते हो। मैंने कहा वाकई में? तो ये लोग कहते थे कि आजकल के जमाने में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लाला ऐसे ही है। नहीं मैंने अभी आपकी गैर मौजूदगी में कहा जी, इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही मुझे कहा कि यार ये तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फैजान बहुत प्यार करता है। फैजान माशाल्लाह कितना स्मार्ट हो गया। बिल्कुल बहुत अच्छा। ये तो मेरा भांजा है समझो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा ख्याल दुनिया में भी नहीं आया था जब से हमारे ताल्लुक आते हैं इनसे। एब्सोल्युटली। इनकी अम्मी के साथ मैंने इतना काम किया। एक फिर फैजान उमर आलम दोस्त बन गया जी इसका। याद है कि इस लायक है नहीं वो लेकिन आपने बड़ा मैनेज किया उसको लाला, बड़ा मौका दिया आपने। बहुत मैंने देखो मैं एक बात बताऊं, मुईन अख्तर के साथ उमर भाई रहे उमर भाई नजर आए। जी बिल्कुल। उमर भाई के साथ हम रहे हम नजर आए। वाह। तो ये 45 दिन मतलब डेढ़ महीना हम आपके साथ हम हमारे साथ रहे। तो उमर जो रहा वो मुझसे मस्तियां कर रहा था, मैं कभी कभी वो भी हो जाता था बेजार। कभी कभार गाली भी दे छोटी सी। वो मेरे किसी उस पे बीप नहीं बजी। बीप क्योंकि उस वक्त ये माइक नहीं पहना होता था इन्होंने। माइक और हर वक्त मुझे यही आता था उमर और ये आदि मुझे एक ही बात करते थे लाला अपना माइक पहने। और मैं माइक भूल जाता था तो उमर और ये जब दोनों होते थे मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी। जी बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे साथ इतना रहा मेहनत की उसने बहुत अच्छा और विनर हुआ वो। जी बिल्कुल। तो उमर के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा छेड़खानी तो करते थे लेकिन आपका ख्याल भी दोनों ने बड़ा रखा है। आपकी शुगर का भी ख्याल, बहुत गलत ख्याल खाना रखा। माशाल्लाह मेरे खाने का ख्याल तो यही रखता था। हाँ यूं ही देखता था खाना जाए पूरा। माशाल्लाह से मैं तो किचन में भी था ना, मैंने तो खाना बनाना भी शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा मैं भी क्योंकि मैंने पूरा फॉलो किया इसकी वजह से कि जब आपने खाना बनाना शुरू किया तो लोगों ने सही से एंजॉय किया खाना खाने। नहीं मैंने खाने इनको बहुत अच्छे से पहले सब लोग जरा सा परेशान थे खाने का। मैंने खाने खिलाया लेकिन बादशाह को हमारे ये था कि आप सिर्फ अखनी अच्छी बना दे बाकी कुछ खाने सही नहीं। वो मेरे ख्याल से जेलेसी फैक्टर था उनका थोड़ा। बादशाह एक घर में दो बादशाह भी तो नहीं। वाह वाह। अच्छा जी राउत भाई सर मुझे ये बताएं, मुझे वो मैं ये चाहता हूँ मेरी आपसे एक बार बात हुई थी और मैं वो चाहता था कि हम इस शो पे बात करें कि राउफ लाला हमेशा से कॉमेडियन तो नहीं थे, राउफ लाला जो हैं वो हमेशा से एक्टिंग करते हुए नहीं आए। जब तक ये सफ़र शुरू नहीं हुआ उससे पहले राउफ लाला क्या थे मुझे ये बात पता है और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस बारे में सोचता हूँ मैं अजीब सा रहता। मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि जब आप एज अ कॉमेडियन नहीं थे एज एन एक्टर नहीं थे तो आप क्या थे और आप क्या करते थे? मैं उस वक्त इंसान का बच्चा था। चले ये शुगर है, वो भी 3 साल के बाद पता लगा। वो भी आने के बाद फील्ड में और फिर तुम्हारे साथ इस घर में रहने के बाद फिर पता चल गया यार मैं इंसान का बच्चा। कहाँ से शुरू हुआ कहानी शुरू? ये सफर आदम जी से हुआ। जी आदम जी हॉल पहला ड्रामा था मेरा, उसका नाम था जाओ जाओ मगज ना खाओ। वो तो आपको डायरेक्टर ने कहा होगा। नहीं अच्छा। अखबार वाले कभी आके कहते थे ना मुझसे आपका पहला ड्रामा, मैं कहता था जाओ जाओ मगज ना खाओ। यार ये क्या बात हुई, मैंने कहा ड्रामे का नाम है। ठीक है। इसके बाद दूसरा ड्रामा हमने कमर्शियल किया था जिसमें आपा भी थी जी। वो था
अपना ससुराल बड़ा जंजाल, कुलकर्णी नेदर, रजाक, राजू, जावेद शेख, शफी मोहम्मद शाह, लियाकत सोल्जर, उमर शरीफ, स्टार कास्ट। फिर वो चल सो चल हो गया काम, फिर चलते रहे करते रहे। एक आपने बिजनेस भी किया था। मैंने फ्रूट मार्केट में केले बेचे थे, वाकई। और ये वाकई में ये बात बिल्कुल सच है कि मैं फ्रूट मार्केट में केले बेचता था। मैंने छोड़ दिया, एक आदमी ने पूछा केले कैसे लगाए, मैंने कहा मैंने तो सीधे करके लगाया। बस तुझे समझ में नहीं आता, मैंने कहा तू ठीक करके लगा ले। नहीं नहीं, वो क्या काम था, कैसे था, किस लेवल पे था और क्यों था वो काम? वो मैंने शुरू की थी उस जमाने में 75 की बात है, 76 में तो मैं फील्ड में आ गया था। ठीक है, फ्रूट मार्केट में हम केले बेचते थे तो 5 रुपए से स्टार्ट हुआ था मैं। 5 रुपए से मैं 2 हफ्ते में 35 रुपए पे आ गया दिहाड़ी। 1 महीने में मैं उसका पार्टनर बन गया था कसम खुदा की। क्या बात है। और उस जमाने के हमने जो है ना 2000 उसने 2000 कमा रहा हूँ, 1000 उसने ले लिया, 1000 मैंने ले लिया। तो घर वालों ने देखा कि यार ये 2000 रुपए रोज के लाके दे रहा है बंदा जी। तो ये तो खुद भी तो रखता होगा। और मैं नहीं रखता था, मैं अपने पास रखता था कोई मेरा ख्याल 50 रुपए। तो लालू खेत में फिरदौस सिनेमा के गली के अंदर वो दूध में अंडा डाल के देते थे, वो पीता था और एक्सरसाइज करता था ना, तेरे भाई है भी तो दबंग ना जी जी। तो वो एक ही आता क्यों है ये पता है? मैं बेटा ही हूँ। तो बस वहीं से काम चल पड़ा, फिर चलते रहे, लेकिन काम किया, मेहनत से कभी नहीं घबराया। तो दादा ये कहाँ से कब सूझी आपको कि अच्छा यार ये वाला बिजनेस मैं छोड़ देता हूँ, मुझे ये करना है काम? नहीं, बिजनेस चल रहा था, साथ में मैं ड्रामे भी कर रहा था। वन डे ड्रामे होते थे उस जमाने में, कार्ड बेचने पड़ते थे। कार्ड? आप ड्रामे में काम करो आपको 1000 रुपए के कार्ड बेचने। अच्छा, कार्ड किस चीज के? कार्ड ऑडियंस को बुलाने के लिए। ऑडियंस को खुद कार्ड बेचे आप अपने ड्रामे के? खुद सेट खुद लगाते थे। अब ये सोचे आप अगर अभी हो रहा हो तो फवाद खड़ा हो सदर में, मौला जट के टिकट बेच रहा हूँ भाई ले लो। लेकिन वो दौर बहुत अच्छा था आदि फैजान, वो दौर नहीं आ सकता अपने हाथ। जैसे आज ग्रैंड रिहर्सल तो हम समझते थे चांद रात है, कल ईद है। एक शो होता था, हम वहीं होते थे, हॉल पे ही रहते थे, सेट अपने हाथ से लगाया, झाड़ू दी, अगरबत्तियां जला रहे हैं और दुआ करें या अल्लाह पब्लिक आ जाए। फ्री में पब्लिक नहीं आती थी, फ्री में। एक ड्रामा मेरे उस्ताद ने किया था पागल पागल दुनिया, उसमें उमर भाई का मेरा ख्याल दूसरा ड्रामा था, वो डोली पहला था दूसरा। तो उमर भाई ने सारे पागल होते सब पागल तो उमर भाई एक सच्ची के पागल को ले आए। अच्छा, इससे बेटा वो उसको ले आए, तुझे बिरयानी खाएगा, बोला आ जा हमारे साथ। उसको बिठा दिया, वो ये कह रहा कम दे रहा बिरयानी कब आएगी। अब वो बिरयानी के चक्कर में वो सीन तो खत्म हो गया, वो बंदा पागल जा ही नहीं रहा। वो पागल पागल वो उधर ही बैठा हुआ कह रहा बिरयानी दे दो यार, बिरयानी दे दो। और बिरयानी दे दे सलीम। अब वो बिरयानी मिलेगी तो जाएगा लाइट ऑफ लाइट ऑफ लाइट ऑन, दूसरा सीन वो वही है, वो ही बैठा हुआ। वाह वाह वाह, उस्ताद हमारे थे वो क्या कह रहे, वो सब कोई आर्टिस्ट है। ओए पागल महाराजा महाराजा वो सुन ही नहीं रहा। उसने कहा ओए अगर तू नहीं आया मैं पुलिस वाला बन के आ जाऊंगा अंदर। तो वो उसको पता है, उसको बेचारे को खींच के बाहर ले। उमर भाई इस तरह की शरारतें करते थे। नाला आप लोगों ने इतना सारा थिएटर किया, आप लोगों ने लिटरली थिएटर का उरूज देखा है आप लोगों ने बहुत माशाल्लाह। अब जो थिएटर के साथ हो रहा है इसकी क्या वजूहत है, क्यों ऐसे लोग थिएटर को नहीं सराहते, उस तरह के एक्टर्स लोग मैंने देखा थिएटर एक्टर्स से थोड़ा सा मतलब इनसिक्योर भी हो जाते हैं। आप कहीं जाके बोले मैंने थिएटर किया तो लोग कहते हैं ये हमारे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इंटरनेशनली भी काम किया है, बाहर भी काम किया है। यहाँ पाकिस्तान में जो थिएटर का आर्टिस्ट होता है ना उसको ये इस तरह टीवी वाले देखे पहले कहते थे यार तो थिएटर का लाउड है बहुत, इसे ना लो थिएटर वालों को। आज थिएटर वाले ही हैं टीवी पे जी, बिल्कुल। आप जितने शोज कॉमेडी शोज जितने भी हो रहे हैं सब पे थिएटर वाले बैठे हैं।
तो वो वक्त घूमता है, लेकिन दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो वहाँ थिएटर को अगर आपने कह दिया अमेरिका में कहीं भी इंडिया में भी कि हम ये आर्टिस्ट थिएटर का है, तो खड़े हो जाते थिएटर जी बिल्कुल उफ, वहां से आया ही तो ये तो बड़ा। तो थिएटर का मतलब ये नहीं कि लाउड है, जहाँ माइक नहीं होता वहाँ लाउड होना होता, मगर हमारे कराची में तो माइक है तो माइक में हम तो मुझे नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन लोग ये समझते यार ये लाउड होंगे इसलिए इन लोग को नहीं लेना। लेकिन आजकल आपको पता है थिएटर ही छाया हुआ है। फिर आप इंडिया गए, माशाल्लाह आपने इतना जबरदस्त एक शो जीता वहाँ पे। ये पड़ोसी मुल्क में जो हम लोग गए थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज खेलने के लिए, तो वो मुझे जब पहली दफा इनकी ऑफर आई तो उन्होंने कहा कि जी सुबह 6 बजे का टाइम आई इंडिया से कॉल है। अच्छा, मैंने फोन बात की उनसे तो वो डायरेक्टर थे पंकज जी शेरिस्मत, उनका शो था, वो पहला सीजन कर चुके थे तो इन्होंने 2 महीने बाद ही दूसरा शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से कोई कलाकार आए, तो मैंने कहा कि जी मुझे आप क्यों ले रहे हैं इसमें, कह रहे हैं जी आप कॉमेडी करें वहाँ के। मैंने कहा जी मुझसे, मैंने कभी वन मैन शो तो किया नहीं है, स्टैंड अप नहीं किया, मैं जोड़ी में करता हूँ, मैं और शकील सिद्दीकी साथ करते। कह रहे जी हम करवा लेंगे आपसे। अच्छा, मैंने कहा अच्छा जी करवा लीजिएगा, इन्होंने पासपोर्ट कल बंदा आ रहा है लेने के लिए उनको दे दें। मैंने पासपोर्ट दे दिया, वीज़ा लग गया, मैंने गया नहीं, मैं उमर भाई का ड्रामा करने चला। वाह। और उनका फिर मुझे कहा कि यार आपने वीज़ा लगी आप आए नहीं। मैं कहा मैं ये मुकाबला है तो इसमें मिलेगा क्या, कह रहे गाड़ी मिलेगी, गाड़ी जीतेंगे तो आपको शेवरलेट कार मिलेगी। तो मैं कहा अभी फिलहाल जो मैं आऊँगा इसमें क्या मिलेगा है? तो कहने लगे वो उसमें तो हम देते नहीं है आपको, होटल दे देंगे, खाना पीना सब दे देंगे। मैंने कहा नहीं मैं बगैर पैसों के नहीं आता। तो कहने लगा अच्छा, फिर उन्होंने कोई बजट निकाला, मेरा बजट दिया मुझे, कहा हम आपको इतने पैसे देंगे 500-600। तू बहुत ज्यादा बोल गया यार, और कसम खुदा की इसके मुंह से निकल गया ये बहुत बड़ी बात है। 500 रुपए? नहीं नहीं, मैंने एक आदमी की लिमिट होती है, वो उससे ज्यादा नहीं बोलेगा, ध्यान में रख लो। अरे अभी थोड़ी देर में बता दाल चावल की भी बात करेगा, थोड़ी देर में देख लेना। हम करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक की बात, ये ठंडा पानी गर्म पानी पीता है अल्लाह की कसम। भाई मैं 500-600 जो कह रहा था वो आपके और शकील भाई के मिला के गए। अब ये तो शकील तुझे खुद बताएगा। खैर मैं चला गया वहां जाके, मैं तो खुदा की कसम आदि फिजान मैं इसलिए गया था, मैंने कहा मैं एक तो बम्बई देखना है, दूसरा हाजी अली की मजार देखना है। क्या बात है कि समंदर के बीच में उनकी मजार है जी, और बम्बई में मैं देखूं तो सही, वहाँ तो स्टाइल ही अलग होता है। ये बिड़ू किधर जा रहे है, यहाँ इधर, मैं कहा जाके देखो क्या माहौल है क्या नहीं। तो उस चक्कर में मैं चला गया तो क्वार्टर फाइनल जीत गया, दूसरा गेम हुआ वो जीत गया, सेमीफाइनल किया तो वो भी जीत गया। फिर उन लोगों ने पता नहीं क्या गेम किया कि उन्होंने कहा कि जी ये निकल गया इसे निकाल दो। अब उन्होंने निकाल दिया तो मुझे पता चला कि प्रताप फौजदार और ख्याली को लेके आए हैं दोबारा। अच्छा, आपको निकाल दिया। फिर पता नहीं वहाँ की इंडियन ऑडियंस ने क्या वोटिंग वगैरह की, फोन पे फोन, वाइल्ड कार्ड एंट्री से मैं एंटर हुआ। जब मैं एंटर हुआ तो वो 7 सुपर 7 बैठे हुए थे फिनाले में, मैंने 7 को बोला, मैंने कहा देखो मैं नहीं था, मुझे वाइल्ड कार्ड पाया हूँ, अब तुम लोग अपने बिस्तर बांध लो, तुम जीतोगे तो नहीं ये तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ, तुम लोग को हराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दे, सारी रात आइटम लिखना शुरू करे, पक्के आइटम। ये आपको सुनाऊं हंसी आए, मैं कहूँ नहीं लाफ्टर से मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्लैप के साथ लाफ्टर। फिर इस तरह के जुमले कल पूरी एंट्री बनाई, कोई मेरा ख्याल 45 मिनट परफॉर्मेंस की थी जो 11 मिनट लगी। अच्छा, इन्होंने हाँ बिपाशा बासु आई थी, उन्होंने आखिर में जब अवार्ड दिया मुझे, यहाँ मुझे वो वहाँ तो रिवाज है ना पप्पी करने का। जी जी, किधर की थी, किधर की थी दिखाएं, किधर की थी? वाह मजा आ गया। ये होती है चालाकी, शक्ति कपूर ने की थी। शक्ति कपूर ने कसम ले लो, बिपाशा वाला तो बाकी है। हाँ तो क्या फायदा, मतलब अपनी दिहाड़ी खराब करूं? तो मैं वो जीता, मुझे गाड़ी मिली, गाड़ी मिली होटल तक, शेवरलेट। अच्छा, फिर अल्लाह का शुक्र के गाड़ी मिली, उधर एक टाइटल मिला कॉमेडी का, शहंशाह का बेशक, अवार्ड मिला, काफी चीजें मिली, फिल्में की ड्रामे की, बड़ा अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। बस मैं ये समझे के
मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे अल्लाह ने किया, और मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस की मोहब्बत और इंडिया की ऑडियंस ने मुझे जितवाया वो शो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लाला मुझे इसीलिए मैं आज भी इंडिया की ऑडियंस को सलूट करता हूं कि उन्होंने इतने एसएमएस और वोटिंग करके मुझे जितवाया। वाह, वो इनका। अच्छा, लेकिन लाला मुझे बताएं, जब वहाँ इतनी इज्जत मिली, इतना काम कर रहे थे आप माशाल्लाह, सब लोग आपको पसंद कर रहे थे, तो किसी एक टाइम पे सोच आई कि यार मैं इधर ही शिफ्ट हो जाता हूँ वहाँ? हाँ, और बहुत ऑफर थी, फिल्में थी मेरे पास, बड़ी बड़ी बैनर्स की बड़ी फिल्में थी। तो क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह थी कि आप अगर वहाँ के होके काम करोगे ना, आप लोकल हो गए। ठीक है, अदनान समी साहब या जितने भी गए वो उन्होंने उनके वीजे के चक्कर में वहाँ सारा कुछ कर लिया, तो अब वो लोकल हो गए ना, अब तो उनको मिलेंगे वो, चले यार 200 में बुला ले, इधर आएंगे तो बोलेंगे 2000 में बुलाओ। वो जो आपका लेबल है ना पाकिस्तानी आर्टिस्ट, वो आप हट गए उससे, अब आप लोकल हो गए उनके। सही। तो वो नहीं, हम नहीं चाहते थे, हम यहाँ से जाएं, इज्जत से काम करें। बहुत शो के पूरी दुनिया में इनके शोज किए हमने इंडिया में, इंडियंस ऑर्गेनाइजर होंगे जी, लेकिन जो इधर के ऑर्गेनाइजर भी हैं वहाँ के भी, काम तो हर जगह करना पड़ता है, आर्टिस्ट को तो किसी का पाबंद नहीं है। बिल्कुल सही, सबका करना पड़ता है। सोच कभी ये आई नहीं कि यार आज इंडिया शिफ्ट हो जाओ, हम तो 10 साल रहे और ऐसे आना जाना रहा है कि मेरे कमरे में बैठे हुए दोस्त चाय वाय सब पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और मैं उनको कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ यार पाकिस्तान से। वो कह रहे कैसा, क्या मतलब पाकिस्तान से? मैंने कहा 11 बजे की फ्लाइट है, मेरा वीजा खत्म हो रहा है, 12 बजे एंट्री करवा के दोबारा आ रहा हूँ। और दूसरा वाला वीजा जेब में रखा, पासपोर्ट लिया, ये वीजा एग्जिट हुए, जहाज में बैठा, कराची उतरा, 12:30 बजे, 1.25 घंटे का रास्ता है, 12:30 बजे उतरे, बाहर आए, बच्चों से मिले, चाय पान खाया, वापस आए तो कमरे में ही बैठे हुए, वो वहीं का वहीं बैठा। तो यार लाला भाई आ गए पाकिस्तान से, मैं आ गया। वाह वाह, पाकिस्तानियों की यही तो खूबी है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा आ जाएंगे। मैं एक शो कर रहा था इंडिया में, बड़ा सुनने वाला वाक्य है, वो था द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा, अर्चना पूरन सिंह थी और सतीश कौशिक जिन्होंने मिस्टर इंडिया जी, बनाई थी। जी, जी, जी। वो बहुत हैवी है, बॉडी देखी आपने ना, बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, बॉडी इनकी, हाँ बॉडी शेमिंग। ये हमारा एक अलग आपसी जोक है, तो वो आपसी जोक, इतने मोटे से वो, तो मैं वो एपिसोड मैं ऊपर से उतरता हूँ, ऐसा मेरा कॉरिडोर बना हुआ था, गैलरी में खड़ा होकर पहली एंट्री, ऑडियंस बैठी हुई, वो शो था जो कपिल को टक्कर देने वाला शो। अच्छा, कि पहले दिन ही रेटिंग आई थी 3 पॉइंट कुछ। ऊपर से मैं उतरता हूँ ना, पहली एंट्री हुई, हम पाकिस्तानी, हम किसी से डरते थोड़ी हैं, झुकते तो हम जब तक कॉमेडी, क्योंकि पाकिस्तान में कॉमेडी जितनी अच्छी होती है ना वह नहीं होती। ये मैं इसलिए कहूंगा, अगर इंडियन कोई देख भी रहा हो तो भाई वहाँ मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बोतल उठाओ नीचे से मिमिक्री आर्टिस्ट निकल आता है। वो उनके तो यहाँ इतने, यहाँ नहीं है, यहाँ मिमिक्री आर्टिस्ट इसलिए नहीं है कि एक्टर नहीं है अच्छे, जिनकी आप आवाजें निकाल, यहाँ सारे मिमिक्री आर्टिस्ट जो है वो पॉलिटिशियंस बनते हैं। हाँ सारे, क्या क्या 9:30 बजे यानी कि पूरा राइट टाइम है इसका दिमाग चलने का। अच्छा, मैं ऊपर से आता हूँ, पहला सीन है तो वो ये अर्चना पूरन सिंह और वो खड़े हुए हैं सतीश कौशिक, तो मुझे आवाज देते चौधरी साहब, मैं ऊपर से देखे ना, मैं आया, एंट्री हुई, पब्लिक ने क्लैप की, मैंने कहा नवाब साहब क्या हाल है, इतने बड़े नवाब है ऊपर से भी इतने ही नजर आ रहे हो। वो लाफ्टर आया, इस दौरान मैं सीढ़ी से नीचे उतर के आ गया। अब जहन में ये रखना कि इंडिया में जो है अगर 7:30 बजे हैं तो कराची पाकिस्तान में 7 बजे हैं, बिल्कुल ऐसी है, आधा घंटा हमसे वो आगे हैं जी। तो वो मैंने आ गया, मैं कहा नवाब साहब क्या बात है, पब्लिक को शुरू हो गया, मैं ना स्क्रिप्ट में ना कुछ, मैं कहा ये नवाब साहब है माशाल्लाह, इनका शरीर देखो इतना शरीर है काबू में नहीं आ रहा, यहाँ से निकल रहा है वहां से निकल रहा है, हल्का लाफ्टर आया। मैं कहा सुबह खड़े हुए थे छत पे, सनबाद ले रहे थे, संवाद ले रहे थे छत पे खड़े हुए थे, पाकिस्तान से लोगों के हमें फोन आया कि लाला भाई इसको साइड में करो, पाकिस्तान में सुबह नहीं हो रही। वो
पब्लिक उन्हों पब्लिक जितनी इतना क्लैप थंडरिंग है वो अच्छा उनका मुंह थोड़ा यूं हो गया सतीश पहले ही थोड़ा सा है उनका वैसे ही है वो यूं उठा के तो रखते हैं अपना अपनी तरफ से पर्स बनाया हुआ तो बाहर निकल गए वो चलेगा मैं क्या पता नहीं क्या खांसी वांसी आई होगी तो डायरेक्टर आके कहा वो तो नाराज होकर वैनिटी वैन में बैठ गए कह रहे जी फिजिकली कोई बात नहीं करेंगे यू तो मैं कहा ये क्या है कह रहे नहीं ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर है मैं कहा भाई वो डायरेक्टर तो मैं कोई छोटा आदमी है मैं पपीता बेचता हूँ यहाँ बम्बई में अब झुकते तो करेंगे ये तो करूंगा मैंने कहा मेरे को जो आमद आएगी मैं तो नहीं कह रहा आप करें लेकिन इनकी बॉडी के हिसाब से ना करें मैं कह यार ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कुर्ता पहना हुआ था नवाब साहब थे ना चिकन का मैं कहा बड़ा बाप ने चिकन का पहना हुआ है ये देखा हमने मटन का पहना हुआ है बड़ा मजा आया तो मगर काम करने का मजा आता है तो कभी बार मुश्किल हुई है आपको कि यार ये नहीं हो रहा मुझसे अब नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये वाला स्टाइल नहीं हो रहा मुझसे कोई ऐसा कैरेक्टर तो कभी भी नहीं हुआ मैं एक कैरेक्टर कर रहा था एक स्टेज ड्रामे में मैंने उनको मना किया मुझे हिंदू का कैरेक्टर दे रहे थे इंडिया से तो मना क्यों किया आपने मना क्यों किया आपने यार मैं बाद बाद में तो अल्लाह की कसम खाता हूँ ये तो और फनी लगता है हिंदू बाद बाद में अल्लाह की कसम खाता हूँ अल्लाह की कसम खाता हूँ फलां खाता हूँ एक मतलब एक कैरेक्टर में रह के पूरा उसी को आप फॉलो करें तो वो सेट ये था कि एक बहुत बड़ा दरवाजा उस पर ताला लगा हुआ है तो ताला खोलने के लिए दुनिया से लोग आते हैं ठीक है तो मैं वो था इंडियन हिंदू था तो कहता आप अब उस ड्रामे में सब खोलते हैं तो आखिर में एक मुसलमान आके कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ताला खुल जाता है किसी से नहीं खुलता अब मैं हिंदू था तो मैं आया तो मुझे तो पता ही नहीं इनकी पंचलाइन क्या है क्या नहीं मुझे जब मैं अपना टीके वीके लगा के आके बोला भाई दरवाजा खोलो मैं दरवाजा खोला उसकी पंचलाइन एंड वाले की मैं बोल गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो कह रहे पंडित जी आप कलमा पढ़ रहे हैं मैं हो गया मुसलमान और क्या दरवाजा अब पीछे जो विंग में खड़ा था तो सोच रहा है दरवाजा खोलना है बंद करना है खोलना है बंद करना ये तो किसी और का काम था जो आगे खोलना है मुसलमान बनाओ तो पहले ड्रामे भी इस तरह के होते थे अच्छा ये मुझे बताएं कि आपने मतलब तमाम लेजेंड्स के साथ काम किया सबसे फेवरेट किसके साथ आपको मजा आया कि जी इनके साथ मैं हमेशा काम कर सकता हूँ या हमेशा सीखने को मिला हमेशा उन्होंने ऐसा बर्ताव रखा कि आप बोले यार मुझे फेवरेट याद है फेवरेट कौन रहे आपके जिनसे सीखा भी है साथ भी काम किया है सब कुछ उमर भाई उमर शरीफ बिल्कुल वो तो वन एंड ओनली माशाल्लाह उमर भाई का मेरा ऐसे रिश्ता था कि लोग उनको उस्ताद कहते थे मैंने हमेशा उनको जो कहा हमेशा मुर्शिद कहा मैं उनको मुर्शिद कहता था मैं उमर भाई के कदमों में बैठ जाता था उनके पांव दबाना मैं नहीं देखता था कितना बड़ा आर्टिस्ट हो कोई भी मैं बैठ के उनके पांव दबाता रहता मैंने बड़ी दुआएं ली उनसे मुझे उमर भाई ने ऑन द स्टेज हजार रुपए का नोट मुझे इनाम में दिया था शांजे ऑडिटोरियम में वो मेरे पास आज भी है अच्छा हाँ मैंने कहा अभी इंतकाल से कोई दो महीना पहले हमारी मुलाकात हुई मैंने कहा भाई आपका 1000 रुपया दिया हुआ 1000 रुपया मेरे पास आज भी है वाह वाह ना तूने खर्च क्यों नहीं किया मैंने कहा यार हो सकता है वापिस मांग लो अबे तू हर बात में मजाक करता है मैंने कहा नहीं और मैंने रखी हुई है मुइन भाई ने दिया मुझे 1000 रुपया उमर भाई ने दिया सब संभाले में सब संभाल के रखे हुए वो मैं किसी फ्रेम में लगा के सेट वो नोट तो बंद भी हो गए हैं तो इतना बड़ा मुइन भाई वाला नोट है नकली तो नहीं था मैं वही सोच रहा हूँ तो मुइन भाई के जमाने में 1000 का नोट बड़ा चलता था बिल्कुल जी हर काम का अपना अपना एक मिजाज है और वो अपने हिसाब से होता है वक्त हुआ जी ब्रेक का इसका भी अपना एक हिसाब है और ये भी जरूरी है वक्त हुआ जी ब्रेक का ब्रेक पर जाएं ब्रेक से वापस आएं आप देख रहे हैं द मजेदार शो वेलकम बैक जी आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है सर रऊफ लाला सर आपके साथ खेलेंगे हम दिस और दैट एक सवाल होगा उसके दो ऑप्शन है आपने एक ऑप्शन चुन लेना है जब हम आपसे पूछेंगे तो आपने ऑप्शन को जस्टिफाई करना है वरना जाने देना है ठीक है जी पहला सवाल ड्रामा या फिर फिल्म 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 ठीक है जी थिएटर या फिर टीवी थिएटर थिएटर फिल्म स्टार मीरा या फिर फिल्म स्टार रीमा 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 क्यों और मीरा क्यों नहीं मीरा के साथ भी मैंने 5-6 फिल्मों में काम किया रीमा के साथ भी 5-6 फिल्मों में काम किया रीमा मेरी बहन बनी हुई है अच्छा उसने मुझे भाई बनाया शॉपिंग भी कराई है बाकी में अल्लाह की कसम सिंगापुर में बकरा ईद आने वाली थी मैंने छुरियां खरीदी थी मजाक कर
नहीं सीरियस छुरिया खरीदी आपने? हाँ मुझे ले गई मीरा अपने रीमा शॉपिंग के लिए, तो कहने लाला भाई आप क्या लेंगे, मैंने कहा मेरे को छुरियों का सेट दिला दो। क्यों? बकराई दाने वाली थी, मैं कहा बाहर मुल्क से छुरियां ही लेके जाओ, स्टील की बड़ी अच्छी छुरियां थी वो। यार लाला कोई आपको शॉपिंग करा रहा है, कपड़े खरीदते हैं? नहीं नहीं कपड़े वपड़े तो उसने दिलाए, मैं पहले छुरियां ही ली थी मैंने, एक थर्मास लिया था जिसमें एक ठंडा गर्म रखते थे, उसी वक्त मैंने एक चाय डाली दो आइसक्रीम डाल दी उसमें। अच्छा जी ये बता लाइव परफॉर्मेंस या फिर रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस? लाइव लाइव परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। नईमा गरज साहिबा या फिर सलमा जफर साहिबा? नईमा। नईमा क्यों? नईमा जी क्यों और सलमा जी क्यों नहीं? सलमा एक अपने मिजाज की आर्टिस्ट है, ठीक है हम ही जानते हैं। हाँ बिल्कुल। उसका कोई पता नहीं होता, वो हम उसको मर्द कहते हैं, एक किस्म की मर्दाना वजाहत वाली औरत है वो, तो उससे इतना, हालांकि बहुत पुरानी दोस्त है हमारी, मेरा आना जाना भी बहुत है, लेकिन मुँह फट है तो थोड़ा हम रिजर्व रहते हैं। बाकी नईमा जो है वो तो ऐसी है कि बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छी है, मेरे हमारे साथ शोज में दुबई ले जाते हैं ना ये, वो कहती है मैं रिहर्सल बाद में करूँगी, पहले मुझे गाड़ी करवा दो, मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगी, पैसे दे दो एडवांस, उसको दे जा तू पहले शॉपिंग करके आ जा। तो नईमा से ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक है। वेस्पा या फिर 50cc बाइक? वेस्पा। वेस्पा रखिएगा अभी आपने? मेरे पास किसी जमाने में थी जब हम खाराधर में रहते थे, तो मैंने उसमें चेंजर वेंजर लगाए थे, सीडी चेंजर, वेस्पा में। वेस्पा में चोरी की? वेस्पा पे चोरी की? वेस्पा पे लगते हैं, बाकी क्या मैंने खरीदी भी पे लगाऊंगा मैं। सारे तुमने पहले वेस्पा ही नहीं देखी? देखिए देखिए मैं। नहीं नहीं वेस्पा तो कसम खुदा की रिक्शा क्या सजेगा ऐसी? हाँ बिल्कुल मैंने चेंजर वेंजर लाइट वाइट वो तो निकले तो पता चले वेस्पा निकली है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। हमारे रिश्तेदार थे वो करते थे, बॉस्की के कपड़े भी पहनते उस पे, आदमी ऐसे नहीं वेस्पा पे बैठ गया पैंट शर्ट पहन के, बॉस्की का सूट पहना। अच्छा पूरा प्रोटोकॉल है? अरे प्रोटोकॉल, चेन सोने की हो घड़ी, उसका अपना रोब है, छिंता छिनाता नहीं था ना। अब तो आप, अब तो वेस्पा निकलेगी तो गली के कोने तक ही लुट जाएगी वेस्पा। अभी जितनी देर में वेस्पा स्टार्ट होगा ना सिर्फ स्पीकर रह जाएंगे। अब वेस्पा निकली उन्होंने कहना है एथे ही पा। ठीक है जी, सलीम आफरीदी साहब या फिर शकील सिद्दीकी साहब? शकील। क्यों शकील साहब क्यों और सलीम साहब क्यों नहीं? आपने दोनों के साथ तकरीबन इतना ही बराबर काम किया। नील भाई तो ये और वो आपस में, वो भी तो है ना ब्लूटूथ समधी भी है ना हम लोग। अच्छा माशाल्लाह। शकील सिद्दीकी की साहबजादी मेरे यहाँ। अच्छा माशाल्लाह। और शकील माशाल्लाह से नाना, मैं दादा बन गया हूँ, माशाल्लाह। पोती पोता भी है हमारा, तो शकील से मेरा रिश्ता, उसका पहला ड्रामा मैं देखने गया था, जब से दोस्ती है तो आज तक। कभी लड़ाई हुई है आप दोनों की आपस में? अभी दो हफ्ते पहले हुई थी। किस बात? हो जाती है मेरी उसकी कोई बात नहीं होती, ऐसे बिलावजा हो जाती, चल बे चल चल चल, बात खत्म, दो महीने नहीं करेंगे खत्म। फिर दोस्ती कैसे होती है? अचानक ये और सुना क्या कर रहा है बेटा? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है दोनों। वो इसी तरह है। अभी मैं आया इस घर में से आया तो मेरे पास आया था मिलने के लिए, मुझे कहने लगा, मैंने कहा तू सुना क्या हाल है, तेरी तबीयत ठीक है? कह रहे क्यों मेरी तबीयत को क्या हुआ? अबे मैं तबीयत पूछ रहा हूँ तेरी, कैसी तू ठीक है ना? तबीयत ठीक है तो कह रहे मेरी तबीयत को क्या हुआ? ये यही होते हैं बहाने हमारे लड़ने के। लेकिन लड़ते हैं। हाँ लड़ाई हमारी एक प्यार वाली होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वन मैन शो या जोड़ी में शो करना? वन मैन। और ये बताएं कि थिएटर में शो करना या कॉर्पोरेट फंक्शंस में जाके शो करना? थिएटर का अपना मजा है, वहाँ ड्रामा होता है, और कॉर्पोरेट के जितने भी शोज हैं वो लाइफ, उसका तो ऑडियंस अलग ही होती है। नहीं तो ज्यादा क्या आप चूज करते हैं यार ये करना है? कॉर्पोरेट। ठीक है। ये बताएं कि दूध पत्ती या फिर लस्सी? दूध पत्ती। दूध पत्ती ठीक है जी। आफ्ताब इकबाल साहब या फिर सोहेल अहमद साहब? सोहेल अहमद। सोहेल अहमद साहब। ये बताएं उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब? मोइन भाई जो थे उनसे इतना हमारा नहीं था, लेकिन हम ड्रामे तो बहुत किए हमने एक साथ, इतने फ्री नहीं थे। उमर भाई के साथ तो रूममेट रहे हैं, साथ में पूरी दुनिया का दौरा किया, साथ खाना साथ सोना, शॉपिंग साथ करने जा रहे हैं। और उमर भाई के साथ तो ऐसा होता था कि अमेरिका में शॉपिंग करके, उनसे पहले शॉपिंग करके आके सिर्फ इतना कहता था भाई मैंने ये चीज़ें खरीद ली है, इसका बिल दे देना आप। अच्छा हाँ दे दे दे। हाँ हाँ वो अल्लाह का करम है, वो इस मामले में बड़ा दिलेरा। ये बताएं कोन जो होती है आइसक्रीम वाली कोन, वो चबा के खाते हैं चाट के खाते हैं? पौने 10 बजे इसका टाइम खराब हो जाता।
भाई देखें कुछ लोग हैं वो अगरे खाते हैं, कुछ लोग आम आम खाते हैं, आप कौन से वाले? तू मंगा, मैं दोनों स्टाइल में खा के। अच्छा जी, ट्रेन का सफर या जहाज का सफर? ऐसा आदमी होता है ना, ऐसा आदमी जाके पता पानी वाले की बोतल वाले से कह रहा होता है, वो भाई शुगर फ्री है। पानी पानी शुगर फ्री, वो कहता ये ले जा तेरे लिए बिल्कुल फ्री। ट्रेन का सफर या जहाज का सफर? ट्रेन का मुझे मजा ही अलग आता है। ठीक है जी, जहाज में सफर किया है? बहुत अल्लाह का शुक्र, अमेरिका के मैं रेडे पे गया। अल्लाह माफ करे, अमेरिका के तो इतना बड़ा सफर होता है, 3-4 फिल्में खत्म हो जाती हैं, अमेरिका नहीं आता। आज ये जहाज में जब जाते हैं तो वो अक्सर टर्बुलेंस आती है, जहाज हिलता है, उसमें आपको डर लगता है या आप बैठे रहते हैं यार ये तो होता है जहाज हिलता है? एयर पॉकेट डर तो लगता है, लगता है, डर लगता है। पहले तो जहाज में बैठते ही डर लगता है, पता नहीं आज लतीफ चला रहा है गफ्फार चला रहा है। ना मुझे तो पता है ना लतीफ कैसा चलाता है गफ्फार कैसे चला। जहाँ जहाज उड़ा ना, उड़ के जब तक सीधा नहीं होता ना स्मूथ, जब तक डर लगा रहता है, मुझे तो लगा रहता है। फिर जब वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है ना कि आप चलने फिरने जैसे, तो फिर मुझे सुकून हो जाता है, वरना मैं यहाँ तक जब जमीन से उड़ा तो फिर इसके बाद वो बंदे की ताकत नहीं है, अल्लाह ताला। सफर का कोई बुरा एक्सपीरियंस कुछ कभी भी कहीं कुछ हुआ हो? जहाज का ही हुआ। जहाज में क्या हुआ? क्या हुआ? क्वेटा जा रहा था। क्वेटा? क्वेटा जा रहे थे आप शो करने के लिए? क्या चीज? ड्रामा। अच्छा, सिब्बी जाना था हमको, क्वेटा आना था। कराची से जहाज चला, अनाउंसमेंट हुई, खवातीन हजरात इंशाल्लाह 10 मिनट में, आप अपनी पाकिस्तानी पीआई थी ना। अच्छा, ये लोग बोल देते हैं कभी कभी इंशाल्लाह। पेट्रोल ये पावरफुल लोग हैं, नहीं भी बोले तो पहुंचा देते हैं ये। हाँ, दोनों ने कहा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 10 मिनट बाद हम क्वेटा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट गुजरी, 15 मिनट हो गई, मैं नीचे देखा, मैं कहा ये क्या यार, पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो क्वेटा आया नहीं एयरपोर्ट। तो आगे कोई खान साहब बैठे थे, तो उन्होंने देखा ये तो क्वेटा नहीं है। ये सब पहाड़ तो क्वेटा में नहीं है, मैं तो पैदा हुआ हूँ। काले वाले हरे रंग के पहाड़ कौन से? मैं उसकी गुफ्तगू अकेला अकेला कर रहा लग रहा है। एक में स्टूडेंट भागता हुआ गया, एरोस्टेट भागती हुई गई, मैं अल्लाह खैर करे 20 मिनट हो गए, मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये अनाउंसमेंट 10 मिनट की, 20 मिनट हो गए अभी तक ये बंदा निकल गया। हाँ, मैंने स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा भाई एक मिनट, तुझे कसम है सही सही बता क्या हुआ। देख मेरी परवाह नहीं कर, मैं तो कूद जाऊंगा, मुझे टेंशन नहीं है। दूसरे बड़े परेशान हो रहे थे, तो आर्टिस्ट थी हमारे पीटीवी की बहुत अच्छी सिंधी ड्रामों की, वो मेरे साथ बैठी थी, उनका बच्चा इनके साथ था, वो खिड़की के पास बैठी हुई थी, वो बिचारी मुझे देखे कह रही मेरे लाला मेरा बच्चा। अरे मैंने कहा तेरा बच्चा तो तेरे साथ है, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे तो सब छोटे छोटे मेरे घर पे हैं। मैं तो नसीहत भी नहीं करके आया था कि तुम लोगों ने करना क्या, बांटना कैसे। और 25 मिनट हो गई आधी, मैंने उसको रोका स्टूडियो, मैंने कहा भाई बता दो क्या करे, कुछ नहीं लाला भाई ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा क्या? अब वो पठान बेटर था आगे, क्या बात कर रही है, क्या ठीक हो जाएगा, क्या हुआ है? उसने बोला भाई व्हील नहीं खुल रहे। मैंने कहा या अल्लाह, जहाज का व्हील नहीं खुल रहा? नहीं। मैंने कहा इसका मतलब है क्रैश लैंडिंग। ठीक है, अब ये जहाज तो थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हुई, खवातीन हजरात हम वापस कराची जा रहे हैं। ओए मैं तो डर गया, मेरे पेट में तो अजीब अजीब वो नहीं, पेट में ख्याल आने लग गए। ख्यालात नहीं, पेट में नहीं, एक अजीब सी होती है। पापे 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 नहीं यार, गरीब आदमी पापों से बाहर नहीं निकल। पेट में क्या, पेट में क्या, कंप्लीट करें ना जुमरा आप हमें। अरे यार वो फैजान पेट में एक अजीब सी, गैस 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 नहीं, गैस गैस हॉक हॉक क्या होता है, क्या होता है, हॉल उठती है ना, पेट में का हॉल उठता है, ऐसा देख ऐसा होता है लाला, वो सी घबराहट 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 पेल्पिटेशन पेल्पिटेशन, जो जो तो तू चीज खाता है ना सब बताइयो। क्या उठ रहा था? माशाल्लाह इतनी अच्छी खुराक है, मैंने कहा मुंह से क्यों खाता है, यहाँ चेन लगवा ले। ये खोली डाली, पेट में क्या उठ रहा था? पेल्पिटेशन पेल्पिटेशन। आ यार वही होती है ना, वो हल्की सी, क्या होती हल्की सी लाला, क्या चूजा चूजा। अच्छा पेट में क्या उठ रहा था पहले? होल 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 क्या होता है यार, एक आफरा बोलते हैं हम लोग तो उसको, पक्की जबान पेट में गूज बम्स आ रहे थे। हाँ
तो अब मैंने उसको बोल दे, आप बोल दे ना, पेट में गूंज बम पूरा बताए ना। अरे बाड़ में गया यार, कुछ नहीं हो रहा था पेट यार। लाला एक तो बोल दे, आप बोले कि पेट में गूंज बम आ रहा, बोले बता देना गूंज बम, बोले पेट में गूंज बम आ रहा। तो मैं पेट में क्या था? अरे यार पेट में मैं था। आप अपने पेट में कैसे हो सकते हैं? अरे कैसे नहीं हो सकते, नहीं नहीं जादू के जोर पे हो सकते हैं। आप बोले पेट में गूज बम, अरे मेरे भाई वो आप क्यूट लगेंगे, बोले गूज बम्स हो रहे थे पेट, गूज बम हां बम्स बम्स पेट में गूज बम्स, यस हां पेट में गूज बम्स हो रहे थे। मुझे इंग्लिश जो है ना ये सिखा सिखा के, नहीं तो अच्छी बोल लेते, 45 दिन इन्होंने सिखाई, इनकी उर्दू खराब हो गई थी, उससे अदब से बात नहीं कर रहे थे। नहीं भाई तुम बस आप ये कह दें कि पेट में गूज बम्स हो रहे थे, पेट में गूज बम्स तो वो अल्लाह माफ करे, वो दिन अल्लाह अच्छा। मेरे साथ इतना वो हुआ, मैं बाहर उतरा हूँ ना, उसका क्या हुआ, वो जो आगे था ये कोई था तो नहीं है वहाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब जहाज कराची की तरफ चलने लगा ना तो एक आवाज आई, लाला ने कहा सॉरी, वो भागा ना एस्टीवुड, भागा अंदर नीचे उतरा, वहाँ पे उतर के फिर वो वापस आया, कह रहे मुझे यूं किया, मैंने कहा अच्छा नीचे कहाँ उतर गया चलते जहाज में, अरे किचन है ना, किचन है आपका बंगले में, आदमी कहीं जहाज में तू बैठा है या हैदराबाद के बस में बैठा है? आप बंगले में उड़ रहे थे कि वो नीचे उतर गया? अरे जहाज में किचन होता है, जहाज में किचन होता है सामने, अरे जहाज में जहाँ एयरोस्ट्रीज होती है, माँ बहने नहीं होती जहाज की, वहाँ किचन भी होता है। हाँ ठीक है, तो नीचे कहाँ उतर गया? अरे नीचे खुलता है, अंदर नीचे जाकर उतरता है, वो नीचे जाता है उसमें। तू क्या मतलब आखिर में जागा तू, पूरा शो निकल गया, अब जागा ये? नहीं मुझे नहीं पता लाला, बाकी में मुझे नहीं, तू जहाज में नहीं बैठा, बैठा उन्हीं के नीचे कहाँ उतरते हैं? अबे तुझे थोड़ी दिखाएंगे भाई, यार वो नट होता है चार, उसकी प्लेट हटती है, नीचे उतरते हैं, वो कार्गो में जाते हैं वहां से। मैं तो जहाज का चोर भी रहा हूँ ना यार। अच्छा फिर अलग बात है, हाँ ठीक है नीचे उतर। पहले जहाज में बैठते ही वॉमिट बैग जो होता है ना वो चोरी कर लेता हूँ, काम आता है, पान खाता हूँ ना। नहीं तो वो जहाज में नीचे उतरे और फिर जहाज टर्न हुआ, वापिस आया कोयटा, उतरे हम लोग बाहर आ गए, जहाज के पहिए खुल गए, तो मुझे प्रोड्यूसर मिला, कह रहे लाला भाई क्या हो गया, जहाज आता है फिर जा रहे, फिर आ रहे, फिर जा रहे, आपका जहाज नीचे नहीं आ रहा यार। मैं कहा उसके यार पहिए नहीं खुल रहे थे, अब कभी भी किसी आर्टिस्ट को बुलाऊंगा ना ट्रेन से बुलाऊंगा, भेजूंगा जहाज में, मेरा काम। बोले शो हाउस, बोले मेरा तो सारा पैसा लगा, मेरा काम, खुदा ना खास्ता तुमको कुछ हो जाता है तो मेरा तो शो रह जाता है, तुझे अपनी शो की पड़ी हुई, मेरा यहाँ जिंदगी खराब हो जाए। लेकिन यादगार सफर था यार, बहुत डेंजर, बहुत अल्लाह माफ करे। एक दफा न्यूयॉर्क में जब मैं, उमर भाई और अख्तर शिरानी जब पाकिस्तान आ रहे थे बकरा किस्तों पे करके 89 में, और जहाज पूरा यूं हुआ ना, उस वक्त मैंने उमर भाई के चेहरे पे जो देखा था ना, यूं हो गए थे, जहाज बिल्कुल यूं हो गया। अख्तर शिरानी तो वैसे ही जिंदा मरा हुआ है ना, वो मतलब दुबला था माशाल्लाह, आपने देखा वो बकरा किस्तों पे में मिर्जा बनते थे, जी बिल्कुल, वो भी यूं आंखें बंद करके। अब अल्लाह का करम हुआ जब सीधा बना, मैं कह यार मैं तो भागता हूँ, अब इतना बड़ा सफर मेरे से नहीं होता। तो अगर अब आपको अमेरिका जाना पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे? मैं वैसे तो बिजनेस क्लास में जाऊंगा। बिजनेस क्लास में किस तरफ होती है ये? थोड़ा बिजनेस अगर आपका अच्छा हो तो आगे की तरफ। वाह वाह वाह। अच्छा जी ये बताइए कि कैरम खेलना पसंद है या पट्टी खेलना पसंद है? पट्टी मुझे कभी भी नहीं आई, कैरम बोर्ड में मुझे नहीं आया। अच्छा उसमें क्वीन के लिए लड़ना पड़ता है, क्वीन के लिए काय का लड़ना यार, मर दो वैसे डाल दो उठा के ढूंढ काय की क्वीन। कौन सा गेम वैसे पसंद है आपको, वैसे कौन सा गेम खेल लेते हैं? मैं ज्यादातर बचपन में गुल्ली डंडा बहुत अच्छा, गुल्ली डंडा अच्छा। ये बताएं कि आपको अपने बच्चों से प्यार है या बच्चों के बच्चों से प्यार है ज्यादा? ओ मुश्किल सवाल है ये, वो तो आप जानते हैं, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे अपने बच्चों के बच्चों से प्यार है और बहुत प्यार है। बहुत जैसे लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं ना कि सूत असल से ज्यादा सूत में, तो मेरी अम्मी कहती थी बेटा दूध से ज्यादा मलाई प्यारी होती है। वाह
तो मुझे मेरे पोते पोतियां बहुत अजीब हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और ये बताएं, मैं आपको बताऊं कि लाला के वहां बेड के साइड पे एक पिक्चर होती थी जो लाला खुद रोज देखते थे, उसको चूमते थे, और मैंने लाला को बहुत बार उस तस्वीर से बातें करते हुए देखा है। तो वो लाला के जो बच्चों के बच्चे हैं वो इतने खुश नसीब है कि उनके दादू जो है उनसे इतना सारा प्यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादू भी और नानू भी? दादू नानू जो अच्छा जी, नानू नहीं, दुआ करें नानू भी बन जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी ऐसा हुआ बाहर गए हो, पकड़े गए हो? कहां बात, मतलब बाहर कहीं गए हो घर से बाहर बगैर पासपोर्ट? बाहर गए पकड़े गए, ये क्या बात हुई यारी, मैं मार दूंगा। लाला भाई ऐसा मत करें, फैजान तू तो समझदार है यार, ये अभी तक इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं वक्त तो है जी ब्रेक का, फौरन से ब्रेक ले, फौरन ब्रेक ले ताकि आप ये ब्रेक कर सके ब्रेक के बाद, क्योंकि 15 दिन हो गए 45 दिन का सफर करके ये आदमी का दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा। अल्लाह हाफिज। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो। हमारे साथ मौजूद है सर रऊफ लाला और हम आपके साथ खेलेंगे जी अवार्ड गोस टू। अच्छा, मैं आपको कैटेगरी बताऊंगा, आपने वो अवार्ड देना है, आपकी मर्जी, आप जिसको देना चाहें। आप अकेले ज्यूरी हैं, एक्टिंग के बादशाह का अवार्ड किसको देंगे? मैं मतलब किसी मुल्क का हो, कहीं का भी हो, भी हो, आपके घर का हो, बेशक आप बोले जी एक्टिंग का बादशाह का अवार्ड, मैं मेरी तरफ से तो इनको जाना चाहिए। तो क्यों जाना चाहिए, मुझे ही दे दो फिर, जब मेरे घर का आपने देना है, आपने देना है। अच्छा मैंने देना है, कंजूसी का मार्जिन नहीं है इसमें। नाना पाटेकर को, नाना पाटेकर को ठीक है। और एक्टिंग की रानी का अवार्ड किसको देंगे? एक्टिंग की रानी माधुरी, माधुरी वाह वाह वेरी गुड। पाकिस्तान में अगर देना हो तो एक्टिंग के लिए अभी करंट को चल रहा है, मैं तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर पुरानों में अगर देना चाहे तो वो तो लोग जानते भी नहीं होंगे ऑडियंस, लेकिन नए में मैं शान को दूंगा। शान को। और रानी, रानी रानी तो आजकल नई लड़कियों, अब रानी का अवार्ड अगर मैं दूं तो मेरी फेवरेट एक ही है, उमेरा। नहीं हाँ नहीं, जो चीज भूलना चाहते हो फिर वाग, वाग, वाग कोई और, कोई और एक हाँ। बंदा नहीं खा रहा पाए लागे ला रहे, ले भाई पका। अच्छा एक्टिंग की रानी कौन? आयशा खान। आयशा खान वाओ, ठीक है जी। बेहतरीन विलन, बेहतरीन विलन, बेहतरीन विलन उमर आलम। उमर आलम को विलन बना दिया यार, हीरो लड़का है यार, हीरो लड़का है हमारा लाला। तुझे भी क्या इस टाइम तेरी तबीयत भी खराब है? नहीं मतलब प्यारा है वो, विलन कैसे हो सकता है? अरे जो प्यारा शाहरुख खान कैसे हिट हुआ, विलन ही तो हिट हुआ है। तो आप शाहरुख खान, अगर ये पहली फिल्म विलन की करेगा फिर हिट हो जाएगा, ये तुझे बता दूं। अच्छा। हीरो आएगा ना तो फिर लोग बोलेंगे ये हीरो सही नहीं है। अच्छा, उमर ने आपको पता फिल्म कर ली है। आपने अच्छा मिसाल दी, आपने मतलब अच्छी आपने उसको राय दी कि विलन करके देख ले, विलन करके देखे क्या बात है। शाहरुख खान की 3 फिल्में शुरू की सारी विलन, वाह विलन। लेकिन विलन हमारे पाकिस्तान में तो मुस्तफा कुरैशी साहब है, मैं समझता हूँ इनसे अच्छा तो विलन। क्या बात, जबरदस्त। अच्छा जी इंडस्ट्री का छोटा डॉन, हमारी इंडस्ट्री का सबसे दिल फेक इंसान कौन? दिल फेक यहाँ पे जो दिल आशिक मिजाज जी, आशिक मिजाज कर ले आप। हमारे यहाँ हुमायूं सईद सुनने में आता है। नहीं आप हंसे क्यों? मैं हंसे क्यों आप इस बात पे? मेरा दोस्त भी है ना पुराना साथ। नहीं तो क्या सुनाया आपने उनके बारे में जिसके बाद आपको लगा वो बहुत दिल फेंक है? मुझे सुनाने की क्या जरूरत है, मैं छपता है देखता नहीं हूँ। क्या देखा है आपने ऐसा? ऐसा मैंने अवार्डों में देखा। क्या देखा, क्या बात देखा, मैं नहीं बता सकता, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। अच्छा लेकिन जो आपने देखा आपका खुद? मैं एक लक्स अवार्ड करने गया था मलेशिया में, मैंने तो हुमायूं ने अच्छा सूट पहना था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, ये वो, मैंने वन मैन कर रहा था, मैंने कहा देखें हुमायूं सईद बैठे में इस वक्त दाढ़ी बढ़ा के आए, ये इन्होंने नहीं बढ़ाई है, भाभी ने कहा है, मुझे पता है जिस शो में जा रहे हैं वहाँ लड़कियाँ बहुत होंगी तो दाढ़ी रख के आए। मैं कहा मुझे पता था मैं भी रख के आता, मगर मैं रख के कहीं भूल गया। ये वन मैन में मैंने उनसे कहा था। वाह ठीक है। अच्छा ये बताएं नटखट सी अदाएँ किसकी हैं? नटखट सी अदाएँ, नटखट सी अदाएँ इंडस्ट्री में? जी जी बिल्कुल। आप वैसे कैसे बताएं, मोहल्ले का कैसे बताएंगे? रफी की बीवी को देखा नहीं। कसम किस अदाओं से वो अपने दही मंगाती है? ए सुनो दही ले आओ, मतलब बड़ा वाला कुंडा ही ले आ जाए। इंडस्ट्री में बताए ना, इंडस्ट्री में नटखट सी अदाएं? मुझे तो कोई नहीं लग रहा, मुझे तो यार किसी की भी नहीं है, किसी को जानता ही नहीं हूँ।
चले अच्छा ये जमाने का बता दें, कोई टेंशन नहीं है, अपने कोई जमाने के बता दें, इसमें क्या नटखट बाबरा शरीफ जैसी कोई नहीं है। क्या वाह वाह जबरदस्त। अच्छा लाला ये अवार्ड किसको देंगे कि जब भी उधार मांगता है वापस नहीं देता है? मैं तुझे दे दूंगा। नहीं नहीं आपने कभी दिया किसी समाचार घर में? मेरी पहली इससे बात हुई, इससे पहली बात में पता क्या कहता लाला भाई, अगर बाहर आपसे मुलाकात हो और आपसे कुछ पैसे उधार मांगू तो मिल जाए? वो मांगना है जो अल्लाह का करम है। लाला भाई अमेरिका मांगने वाला है एक दो हफ्ते में। बताए ना बताए, आपने कभी किसी को दिया उधार जो ना मिला हो? देखिए मांगा तो आपने बहुत है ये हमें पता है, दिया हो कभी? मैंने बहुत सो को दिया, मुझे तो याद भी नहीं मिला है कभी वापस उधार। मैं वापस के लिए देता ही नहीं हूँ, उधार का मतलब है गया। अच्छा? उधार लग गया इसपे। आप मांगोगे आपकी दोस्ती खराब, आपने मांग लिया तो उसको खुद एहसास हो। हाँ। अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा बेटा गवाह, अभी 4 लाख का उधार उधार के आया रहा हूँ अभी तेरे शो में। अच्छा? हाँ, 1.5 का 2 का 1 1 इस तरह सबके दे के अभी आया हूँ। चले अच्छी बात है, क्या आप उन लोगों में से जो उधार लेके वापस भी देते? वरना दे देता हूँ मैं किसी को देता हूँ, उससे मांगता नहीं हूँ। ठीक है, उससे मांगने का मतलब है झगड़ा। मतलब आपने बहुत लोगों को दिया है वैसे। मैं खुद लेता हूँ, इसमें क्या उधार, तो आदमी किसी से भी ले सकते। अच्छा जी ये अवार्ड किसको जाएगा? खुश शक्ल है लेकिन दिमाग खराब है। खुश शक्ल दिमाग खराब, ऐसे तो बहुत लोग हैं लाला इंडस्ट्री में यार, आजकल के मैं नए उनको जानता भी नहीं। आप अपने टाइम का बता देना, आपके जमाने में कोई हो बहुत खुश शक्ल लेकिन दिमाग खराब हो? ऐसा कोई नहीं था मेरे ख्याल में, हमारे तो शाहिद मोहम्मद अली वहीद मुराद नदीम उस टाइप के। खवातीन भी हो सकती हैं, खुश शक्ल हो सकती हैं खवातीन जिसका दिमाग खराब। हाँ। आप हाँ। दिमाग यही कह सकते हैं, मीरा को कह सकते हैं कि मीरा की फोटो जो है ना, फोटोजेनिक है वो, बहुत ज्यादा स्क्रीन के लिए वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका दिमाग का कोई पता नहीं है क्या 5 मिनट बाद मेरे साथ 5 फिल्में की, एक बड़ा शो किया, जज बनी हुई है, हर 5 मिनट बाद मुझे कहती थी आपका नाम क्या है। एक दिन तो मैं तब गया, मैंने कहा मुझे शोहर कहते हैं। ये बताएं बेस्ट डांसर का अवार्ड किसको देंगे यहाँ पे पाकिस्तान? हाँ यार रीमा, रीमा जी को। अच्छा जी मिनी रऊफ लाला ये किसको आप? वाह 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 यार क्या कैटेगरी है मिनी रऊफ लाला, कोई है जो कर सकता है आप जैसा काम? तो दो तीन बंदे हैं जो मेरी कॉपी करते हैं, मुझे मेरी मतलब मुझे चाहते भी बड़ा है, लेकिन एक लड़का है शकील शाह जो मेरी पूरी कॉपी करता है। अच्छा, यहाँ तक के कपड़े का स्टाइल भी मेरी तरह, वो जो पान मैं खाता हूँ वो पान खाता है। वाह, उस तरह वो बड़ा फॉलो करता है। उसको भी मस्सा निकला हुआ वो नहीं, वो उसने कटवा दिया, वो कटवा दिया। एक मस्सा है लाला का, एक यहाँ पीछे मस्सा निकला हुआ है। रात को बैंड बदलता था इसके, चेंज करता था, रेडियो के नहीं करते। हाँ। अच्छा लाला मुझे ये बताएं कि अगर एक सर्टन टाइम बाद एक प्रोड्यूसर आता कि जी मैं आपकी जिंदगी पे और आप पे एक फिल्म बना रहा हूँ, तो आप क्या चाहेंगे कि वो उसमें रऊफ लाला का कैरेक्टर कौन करे? अरे वाह, मेरी फिल्म पे, मतलब आप पे बनी हुई है रऊफ लाला की आपकी बायोग्राफी है। मैं खुद करूंगा? नहीं नहीं आपके अलावा किसी को करना, आप समझे 300 साल के हो गए हम, तो आप नहीं कर रहे, किसी और जवान ने करना तो जरूरी है 300 साल। अच्छा। बाद इसको याद रखना, छोड़ो जाने तो। बताए ना कौन आप क्या चाहते? देखे मैं आपको बताऊं, कैरेक्टर तो किसी का भी किसी से भी करवा सकते, लेकिन आपका क्या दिल है कि यार आपको लगता है मुझे ये अच्छा प्ले कर सकता है? मेरे कैरेक्टर को एक लड़का प्ले कर सकता है, वो है इंग्लैंड में इस वक्त, क्या नाम है, सफदर हैदर, सफदर पशपशा, वो कर सकता था। अच्छा वो आपको लगता है वो बेस्ट करेगा? मेरा छोटा बच्चा है, भाई है, और वो बहुत मेरी कॉपी करता था वो। ठीक है, वो कर सकता है। लाला बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारा टाइम हमें दिया। नहीं, आपकी मुझे बहुत खुशी करते हैं आपको, और इंशाल्लाह ताला सेहत अच्छी हो जाएगी आपकी, तो आप और बहुत सारा ऐसे ही काम करते रहेंगे। फैजान मुझे इतनी खुशी हुई है अल्लाह पाक की कसम, इस शो में आना, चलो एक आना तो अपनी जगह, लेकिन आप लोगों से दोनों से मिलने का, अक्सर देखता था टीवी पे, फिर इसकी आज इतनी याद भी आ रही थी इतने दिनों से उम्र की, तो फिर जब मुझे बोला गया तो मैंने कहा यार मैं ये आऊँगा ज़रूर, और नवीद से मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा इस शो में, मेरी तबीयत, वो कह रहे आपकी तबीयत तो ठीक है ना लाला भाई, क्योंकि एंजियोग्राफी हुई है मेरी। मैं कहा मैं वैसे ओके हूँ यार, मेरी टेंशन ना लो, मुझे देखना था, अल्लाह इन लोग को खुश रखे। मुझे 45 दिन मेरे घर वालों की कमी महसूस नहीं होने दी इन लोगों ने, इतना प्यार दवाई का, खाने का, और मुझे खुश रखने का, इन लोग को अल्लाह खुश रखे। मैं आदि लव यू। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखें, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज। मैं अपने चाहने वालों को सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई
रुलाने के लिए तो इस मुल्क में असम्बलियाँ हैं, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, हंसाने वाले बहुत कम हैं, और जो हंसाने वाले हैं उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती दे और किसी का मोहताज ना करें। आमीन, आमीन। जब भी जाएं आपके कंधों पे हंसते हुए जाएं, हंसाते हुए जाएं, यही हमारी दुआ है, और हंसाने वालों के लिए बहुत दुआ करें। बिल्कुल आदि भाई, आपको मैसेज देना चाहें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जो होती है ना कि इसको ज़्यादा इज्जत मिलती है और कम इज्जत इसको मिलती है, अगर इस चक्कर में पड़े रहेंगे ना तो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। इज्जत आप अपनी खुद करते हैं, इज्जत आप अपने काम की करते हैं, वो जितनी भी है वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप दुनिया के चक्कर में पड़े रहे तो कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे, चाहे आप कोई भी काम कर ले। सो इट्स ओनली यू एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दैट इज इट। बिल्कुल ठीक है जी। वो इंग्लिश में बोला, तेरी समझ में आया? मेरी नहीं आया, मुझे बताइयो। बिल्कुल ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। मजेदार शो।